Hello everyone, I am Shubham. Welcome back to my channel BringsBrain. In January mains 2019, I scored only 85 marks. But in April mains 2019, I scored 162 marks. That too only within 2 months of preparation. I was not much serious till January JEE mains and remained so till the end of the month. But from the February I started my preparation, and today I will share you what was my driving force which led me to the 162 marks from 85 marks, that too within 2 months. Jitna pehle aap is video ko dekh rahe ho utna zyada aapko benefit mil sakta hai is video se, kyunki abhi lagbhag 3 mahina bacha hua aapka January ka mains aane mein, aur 3 mahine ek proper samay hai jisme aap ek decent score kar sakte hain. January ke baad bhi dekh rahe the koi baat nahi, fir April aayega uske 3 mahina ke andar, aur abhi aapka bada benefit ye hai ki aap ye baat jaan rahe hoge ki जनवरी वाले अटेम्प्ट में आपका कम मार्क्स पे ही और अच्छा परसेंटाइल अच्छा रैंक आ जाता है, तो एक बड़ा बेनिफिट है अगर आप अभी देख ले रहे वीडियो को और अभी आप शुरू कर दे रहे अच्छे वे में. तो जेई के प्रिपरेशन को या किसी और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन को अगर मैं अलग अलग स्टेप्स में बांटूँ, उसमें से पहला स्टेप आपका वो होगा मोटिवेशन फैक्टर. वो फैक्टर जो आपको अंदर से ताकत देता है कि आप उतने लंबे समय तक के लिए आप डेडिकेटेड हो करके उस चीज़ का पढ़ाई करते रह सकें. और मैं इस वीडियो में मेन उसी चीज़ पे फोकस करूँगा कि मेरा क्या मोटिवेशन फैक्टर रहा था जिससे मैं फिर बाद में लेट से ही पर मुझे एनर्जी आया अंदर से प्रिपरेशन करने के लिए. और मैं जान रहा हूँगा आप में से अगर कई लोग अभी तक प्रिपरेशन अच्छे से नहीं कर पाए तो मेन रीज़न यही होगा कि आप उतने मोटिवेटेड नहीं रहते होंगे एग्ज़ाम को लेकर के, क्योंकि रिजल्ट कम आने का पहला तो रीज़न यही होता है कि हमने प्रिपरेशन ही अच्छे से नहीं किया. और अच्छे से प्रिपरेशन नहीं किया क्यों नहीं किया, कि अंदर से वो हमें फोर्स फील ही नहीं हुआ, वो मोटिवेशन फील ही नहीं हुआ उस एग्जाम के लिए पढ़ने का. तो मैं आपको बताऊंगा जिसे आप आइडिया ले सकते हैं कि किस तरह से मुझे मोटिवेशन आया और आप अपना मोटिवेशन कहां से आपके अंदर से आएगा वो. तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा. और दूसरा आपका फैक्टर या स्टेप हो जाएगा स्ट्रैटेजी, कि क्या आपने स्ट्रैटेजी बिल्डअप किया आपने पूरे प्रिपरेशन के लिए, कैसे क्या कहां से पढ़ना है आपको, कितना पढ़ना है, ये सब सारा चीज़ हो गया. तीसरा आपका मेहनत हार्डवर्क आपका, ठीक है, कितना आप ज़्यादा समय दे रहे हो उस चीज़ को लेकर के. और चौथा मैं ये कह सकता हूँ करेक्शन ऑफ मिस्टेक्स, जो आपने अभी तक स्टेप फॉलो किया उसको आपको सेल्फ एनालाइज करिएगा. आप पेपर देते होंगे, प्रैक्टिस करिएगा, उसमें कहाँ का आपका एरर आ रहा, कहाँ का गलती हो जा रहा है, फिर उसका करेक्शन. और दूसरा स्टेप जो आपका स्ट्रैटेजी था, तो आई थिंक आपने अपना कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी तो बना ही रखा होगा कहीं ना कहीं से गाइड लेकर के. और मेरा भी जो स्ट्रैटेजी रहा था ये मार्क्स लाने के लिए, वो भी मैं आपसे जल्दी शेयर कर दूंगा. पर हाँ, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगा, आप भी जान रहे होंगे कि समय काफ़ी कम मिलता है प्रिपरेशन के लिए, चैप्टर कई सारे होते हैं और जल्दी एग्जाम भी पास ही में आ जाता है, पता भी नहीं चलता. तो आप चैप्टर पढ़ते चल रहे होंगे तो आपने सुना होगा इस चीज़ को कि आपको हाँ हैंड नोट्स वगैरह बना करके आपको चलते रहना है, क्योंकि रिविजन के समय सिर्फ आपको वो 2-3 पेज का जो आपका नोट्स हो जिसमें आप इंपॉर्टेंट सारे चीज़ों को लिखे होंगे केवल वही आपको देखना पड़े, पूरा किताब फिर से नहीं देखना पड़े, उससे समय भी काफ़ी बचता है. तो इसी चीज़ को और इम्प्रूव करने के लिए ऑसवाल्स ने अपना टॉपर्स हैंडबुक निकाला है. फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी भी आपका, तो चारों सब्जेक्ट के आपको जो 11, 12 में कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए जरूरत पड़ते हैं, आपका जेई हो गया, नीट हो गया, सारे के लिए आपका ये बुक अवेलेबल है. एंड आई होप आपने 9th, 10th में या 11th, 12th में इसका सैम्पल पेपर तो जरूर सॉल्व किया होगा बोर्ड का एग्जाम के लिए. मैंने भी किया था क्योंकि काफ़ी रिपीटेड माना जाता है ये. तो इस बार उन्होंने 11th, 12th के बच्चों के लिए जो इंजीनियरिंग या फिर दूसरे कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं उसके लिए टॉपर्स हैंडबुक निकाला है. आप समझ रहे हैं हैंड नोट्स के टाइप का है जिसका मैं बात कर रहा था, आप देख रहे हैं इसमें आपका 11th, 12th आपका दोनों का इसमें पूरा सारा चैप्टर इंक्लूडेड है. और इस बुक का बेनिफिट क्या क्या आपका, इसमें आपको पूरे चैप्टर का आपको ब्रीफ समरी मिल जाएगा, डिफिनेशन हो गया, रिविजन नोट्स हो गया आपका, डेरिवेशन हो गया, फॉर्मूलाज हो गया, इंपॉर्टेंट पॉइंट या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो गया चैप्टर का, आपका सारा बस केवल आपको इस बुक में एक ओवरऑल पैकेज की तरह आपको मिल जाएगा. इसमें काफी अच्छे वे में शॉर्ट में आपको मैप का हेल्प लेकर के, फ्लो चार्ट का हेल्प लेकर के, कई सारे डायग्राम्स के थ्रू आपको पूरी चीजें समझाई हुई हैं. इसमें काफी कम समय में आप इसे पढ़ करके पूरे चैप्टर का एक ओवरव्यू या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स अपने दिमाग में आप ले सकते हैं. तो अगर आप प्रिपरेशन के समय इसका मदद लेते हैं तो आपका लाइक है चेरी ऑन द केक हो जाएगा. तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका लिंक दिया हुआ, तो एक बार जाकर के तो आप जरूर ही चेक करिएगा. और डोंट फॉरगेट टू यूज माई कोड टू गेट 10% ऑफ ऑन एनी परचेज. तो चलिए अब मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ. जो पहला बात आप ये समझ लीजिए, मोटिवेशन आपको अंदर से आना जरूरी है, नहीं तो आप फिर कितना भी किसी का बात सुन लीजिए कह लीजिए कुछ खास बेनिफिट आपको नहीं मिल पाएगा. और जब अंदर से एक बार आ जाएगा ना, फिर बाहर से कितना भी डिफ़िकल्टी आ जाए आपके सामने, आप खुद ब खुद उसे इग्नोर करते जाइएगा और अपना आप काम में लगे रहिएगा. तो जैसा मैंने बताया जनवरी अटेम्प्ट में मेरा काफ़ी कम मार्क्स आया था, तो मैंने सोचा आगे करना क्या, आखिर कुछ ना कुछ तो करना है, पढ़ाई करना, और आप सभी को आगे पढ़ाई करना होगा, ऐसा नहीं कि 12th के बाद ही आपको पढ़ाई छोड़ देना होगा, ठीक है. तो मैंने सोचा क्या क्या ऑप्शन मेरे पास, क्या क्या ऑप्शन है, BSc का ऑप्शन था फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का, या फिर आपका BTech का ऑप्शन था. तो मुझे समझ में आया कि बेटर ऑप्शन आपका BTech ही है, जॉब के पर्पज से, जहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा अच्छा हो, फैसिलिटी ज़्यादा अच्छा हो, वो ऑप्शन मुझे BTech थोड़ा ज़्यादा बेटर ऑप्शन लगा मुझे. तो लगा कि चलो भाई ठीक है BTech ही करना है,
पर बीटेक क्या उस कॉलेज से जहाँ पर 15 लाख 20 लाख रुपए फ़ी भी देंगे और कुछ खास बेनिफिट या रिजल्ट भी मुझे नहीं मिलेगा, या फिर उस कॉलेज से जो फिर कॉलेज भी है तो बस नाम का ही है भले फीस कम लग रहा हो। तो इन सब जितने भी सारे ऑप्शन मेरे सामने थे, पॉसिबिलिटीज़ थे, सारे को मैंने देखा कि हाँ भाई आगे क्या क्या ऑप्शन है मेरे पास, क्योंकि ज़्यादा वक्त तो है नहीं, 3-4 महीना बाद ही अब मुझे उस फील्ड में जाना पड़ेगा, जो भी डिसीजन होगा वो मुझे लेना पड़ेगा। तो जितने भी सारे ऑप्शन मेरे पास आए, सारे ऑप्शन से मैं डिससेटिस्फाइड था। सेटिस्फाइड बस एक ही ऑप्शन से हो रहा था कि नहीं भाई किसी ढंग का कॉलेज में जाएंगे, क्योंकि 4 साल मुझे अगला उस कॉलेज में बिताना है और वो कॉलेज में बेटर इन्वॉल्वमेंट होगा हर एक चीज़ का, चाहे आपका पढ़ाई का माहौल हो, चाहे आपका एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का माहौल हो, हर एक चीज़ का मुझे वहाँ पे ग्रुप बेटर मिलेगा, इन्वॉल्वमेंट बेटर मिलेगा और वो भी बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में। ठीक है, तो मैंने सारे ऑप्शन आप खुद देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि कितना एक बड़ा मतलब प्रायोरिटी का वो ऑर्डर आपको मिल जाएगा, जो आप एक अच्छा स्कोर ला करके आप जिस कॉलेज में जा सकते हैं, कितना एक मतलब भीड़ से साफ आपको अलग दिख जाएगा वो कॉलेज, बाकी जितना भी आपके सामने अभी ऑप्शन आपको दिखेगा। तो यही वो पॉइंट था जहां मुझे लगा कि अगर मैं अभी नहीं पढ़ता हूं, जो कुछ समय भी मेरा बचा हुआ उसमें मैं अगर अच्छे से नहीं पढ़ता हूं, तो जो ऑप्शन मेरे सामने दिख रहा है वो सारा ऑप्शन, मैंने बताया कि वो सारा ऑप्शन मुझे पसंद नहीं आ रहा था, पसंद आ रहा था वही ऑप्शन कि हाँ भाई एक ढंग का कॉलेज, कम से कम एक बेटर इन्वायरमेंट में, बेटर प्लेटफॉर्म पे तो जाऊं मैं, या फिर किसी और जगह जा करके 4 साल मैं इसी गिल्ट में बिताऊं कि यार काश थोड़ा सा पढ़ लिया होता तो एक ढंग के कॉलेज में रहता, इसी डिप्रेशन में इसी टेंशन में बिताऊं 4 साल की, अरे यार कहां पर आ गए मैं। ठीक है, और ये बात मैं पहले भी हालांकि बोल चुका हूं आपको, ऐसा नहीं कि आप एक अच्छे कॉलेज में चले गए तो फिर लाइफ आपका पूरा सेट हो गया, कुछ करना ही नहीं है, और आप खराब कॉलेज में आ गए तो उसके आगे फिर आपको कुछ हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं है, किया तो दोनों जगह से जा सकता है, पर ये तो बात क्लियर सा बात है कि एक डिफरेंस तो रहता ही है दोनों जगह का, आपको फैसिलिटीज़ का भी और अपॉर्चुनिटीज़ का भी। एंड सीरियसली मैं आपको बता रहा हूँ कि आई एम वेरी वेरी सेटिस्फाइड विद द वर्क विद द लेबर विच आई हैव डन इन दोज 3 मंथ्स टू गेट दिस कॉलेज, और आप भी खुद इस चीज़ को फील करेगा, मैं लिटरली आपको बता रहा हूँ, जब एडमिशन लीजिएगा किसी अच्छे कॉलेज में तो आपको समझ में आएगा कि नहीं भाई अच्छे कॉलेज में बहुत ही कुछ अच्छा होता है, आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि नहीं भाई चलो अच्छा बात है कि ढंग का जगह पे आए। तो अब ये आपको डिसाइड करना है कि जो भी बचा हुआ समय है उसमें आपको अच्छे से मेहनत करके एक बेटर प्लेस पे जाना है, जहां पर हर एक चीज़ का आपको कुछ भी फैसिलिटी हो रिलेटिवली आपको बेटर ही ऑप्शन मिलेगा वहां पर जाना है, और साथ में प्लस पॉइंट आप भी जान रहे होंगे जो सोसाइटी में आप भी इस चीज़ को जानते होंगे फील करते होंगे, एक वैल्यू भी मिलता है एक अच्छे जगह जाने पर। ठीक है, और वैल्यू मिले भी क्यों नहीं आपको, आपने मेहनत किया, वो चीज आपने डिजर्व किया, अचीव किया मेहनत करके, तो आपको वैल्यू मिलना भी लाजमी है। ठीक, या फिर नहीं तो ठीक है मत पढ़िए, कहीं भी एडमिशन ले लीजिएगा, उसके बाद जब मेहनत चालू करेगा उसके बाद आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है ना, देखिए मेहनत का तो रिजल्ट मिलना ही है, पर यही है कि अगर अभी शुरू करते हैं तो थोड़ा पहले रिजल्ट मिलेगा, जितना बाद में शुरू करिएगा उतना लेट से आपको रिजल्ट मिलेगा, और अभी मेहनत करने का कितना ज्यादा फायदा है ये मैं आपको ऑलरेडी गिनवा चुका हूं, और एक तरह से देखिए तो वो सारी आपकी मटेरियलिस्टिक चीजें थी जिनका फायदा तो मिलता है ऑब्वियस आपका कि हाँ भाई आपको बेटर अपॉर्चुनिटी मिल गया, बेटर फैसिलिटीज मिल गया और कम पैसा भी लगा आपका, पर इनसे भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो बेनिफिट आपको मिलेगा अगर आप अभी प्रिपरेशन अच्छे शुरू करते हैं और आप एक अच्छे कॉलेज में चले जाते हैं, तो वो बेनिफिट आपका ये होगा कि आपको एक अंदर से ऐसा कॉन्फिडेंस आएगा जो आपके आगे के करियर में भी बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि आपने मेहनत करके अपने दम पर अपने मेहनत से आपने कुछ अच्छे चीज़ को अचीव किया, तो एक बहुत ही बड़ा आपको अपने ऊपर भरोसा आएगा कि नहीं भाई मैंने तो किया है, मैं कर सकता हूँ और मैं आगे करूँगा भी, काफ़ी कॉन्फिडेंस और भरोसा रहेगा आपको खुद पे आपके आगे के फ्यूचर स्टेप्स के लिए। और एक बड़ा बात ये भी है, अगर आप मेहनत किए और फिर भी आपको वो चीज़ आप अचीव नहीं कर पाए तो एटलीस्ट एक सेटिस्फैक्शन तो रहेगा ना कि मैंने कोशिश किया था, मैंने मेहनत किया था, नहीं हो पाया, एटलीस्ट वो गिल्ट तो नहीं रहेगा ना कि काफ़ी समय के लिए कि हाँ भाई नहीं कर पाए, पढ़ा ही नहीं तो हुआ कहाँ से, एक एटलीस्ट आपको मेहनत करने पे एक सेटिस्फैक्शन तो जरूर आपको मिलेगा, और वो सेटिस्फैक्शन भी बहुत ही बड़ा चीज़ होता है आप रियलाइज करिएगा। तो यही कुछ बातें थी जिनको आपको अच्छे से समझना है, और अंत में 100 बात का एक बात मैं यही कहूँगा आपको कि आपने अभी अपने लिए टारगेट क्या सेट किया है, आई थिंक JEE किया होगा टारगेट आपका, कुछ और टारगेट आपने लिया हुआ तब तो ठीक है, पर आपका टारगेट अगर JEE है तो फिर और क्या करना है आपको, ऐसा तो नहीं कि आप JEE टारगेट सेट कर लिए हैं पर उसके लिए कुछ करेंगे नहीं, तो फिर बात ही क्या हुआ वो टारगेट रखने का आपको। ठीक है ना, जो टारगेट आपने JEE रखा है तो फिर करिए उसके लिए, और जो उसका मेहनत का फल मिलेगा फिर फल देख लीजिएगा, मिठाई रहेगा आपका। और JEE मेंस तो ऐसा होता भी नहीं कि सिर्फ इंटेलिजेंट बच्चे ही निकालेंगे, JEE एडवांस चलिए कुछ हद तक होता भी है, पर हाँ बस कुछ हद तक ही। तो अब आप ये खुद डिसाइड कर लीजिए कि अगर ये नहीं तो और क्या, और इस और क्या मैं जितने भी ऑप्शन आपको दिख रहे हैं कि हाँ भाई इसके अलावा मैं और ये कर सकता हूँ, उनको आप देख लीजिए क्या उन सारे बाकी ऑप्शन से आप सेटिस्फाइड हैं, अगर नहीं है तो फिर बस यही।